तो हाँ जी, क्या हाल है जगह, और बहुत ही बेहतरीन वीडियो में आपके लेके आ चुका हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू वॉक्सवैगन वर्टस GTH के बारे में। अब GTH कौन से वेरिएंट आप लोग सोच रहे होंगे, इसके अंदर GT के अंदर बेसिकली टू वेरिएंट्स आते हैं, एक आता है GT, एक आता है GT+। एंड ये स्पेशली वॉक्सवैगन ने भी रिसेंटली कुछ महीने पहले लॉन्च किया, जिसके अंदर आपको मैट कलर स्कीम मिल जाएगी। दिस इज द GTH वेरिएंट, थोड़े से एडिशनल फीचर्स के साथ। तो भाई इस टाइप की इसकी चाबी मिलती है, फ्लिप की मिलती है विद 3 बटन्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द बूट। तो भाई बूट की बात करें, इसके अंदर आपको वही मिल रहा है वॉक्सवैगन का 1.5 टर्बो पेट्रोल, जो 150 bhp एंड 250 nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है, 4 सिलेंडर इंजन है। एंड साथ में आपको इसके अंदर मिलता है भाई वॉक्सवैगन का एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी। उससे क्या होता है, अगर आप अच्छे खासे स्पीड पे क्रूज कर रहे हैं हाईवे के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली अपने 2 सिलेंडर्स को ऑफ कर देगी है, ताकि आपकी माइलेज और बेटर बन सके। सो हम फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाता है भाई का वॉक्सवैगन का लोगो, GT की बैचिंग एंड LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, लो बीम हाई बीम दोनों से कर सकते हो। दिस इज़ फॉर द इंडिकेटर। एंड ये भाई आपका L-शेप DRLs के साथ क्रोम स्ट्रिप आपको साथ में मिलती है। बम्पर की बात करें, ग्रिल आपको यहाँ पे मिलेगी पियानो ब्लैक फिनिश में, बाकी सारी की सारी गाड़ी मैट ब्लैक में है। एंड दीज आर द फॉग लैंप्स विद कॉर्नरिंग फीचर्स, एंड एक क्रोम स्ट्रिप जा रही है ऑल अराउंड द बम्पर, जो कि बहुत अच्छी लगती है, एलिगेंट लगती है, कोई ऑड नहीं लगती मैट ब्लैक पे, इट लुक्स एलिगेंट। एंड इसके बाद हम बात करते हैं भाई टायर प्रोफाइल की। तो टायर प्रोफाइल आपको मिलते हैं, बिकॉज इट इज़ अ GT, तो आपको मिलते हैं ऑल ब्लैक मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स विद रेड डिस्क ब्रेक कैलिपर्स। मैं उस साइड से आपको दिखा देता हूँ टायर। सो दीज आर द टायर्स, एंड दीज आर 16 इंचेस। अगर मैं प्रोफाइल की बात करूँ तो आपको मिलते हैं 205/55R16 विद रेड ब्रेक कैलिपर्स। भाई बहुत अच्छे लगते हैं GT, इसलिए आपको मिलता है। एंड यहाँ पे आपको मिल जाती है GT की बैचिंग, साथ में पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर आपको रियर व्यू मिरर्स मिलेंगे, एंड क्रोम इंसर्ट्स आपको मिलेगा हैंडल बार के ऊपर भी विद पियानो ब्लैक फिनिश। क्रोम स्ट्रिप आपको ऑल राउंड द बॉडी भी मिलेगी। एंड अगर हम इसकी बैक की बात करें तो आपको मिलेंगे डीफॉगर्स ऑब्वियसली, एंड स्पॉयलर जिसका चिन स्पॉयलर है ये भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगा, एंड जिसका शार्क फिन एंटीना है ये भी आपको पियानो ब्लैक में मिलेगा, बाकी सारा का सारा आपको मिलेगा मैट ब्लैक के अंदर। तो अगर हम बूट की बात करें, ये भाई इसका बूट सबसे बड़ा इसके सेगमेंट में 520 ml का, साथ में 60-40 स्प्लिट के साथ। एंड अब जैसे कि GTH आप लोग सोच रहे होंगे इसके अंदर एडिशनल फीचर क्या है, सो आई विल टेल यू द एडिशनल, यू गाइस कैन सी दिस। सो भाई ये है सबवूफर, जो आपको कंपनी ही ऑफर कर रही है। एंड इसकी प्लेसमेंट देखो कितनी इंटेलिजेंटली वॉक्सवैगन ने प्लेस करी है। एंड जो टायर साइज है वो भी आपका कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है, देख लीजिए 205/55R16 सेम प्रोफाइल का मिल रहा है, बट आपको अलॉय व्हील्स नहीं, अलॉय नहीं मिलेगा इसके अंदर। एंड ये आपकी टूल किट है, स्टील रिम है ये, बाकी जो आपको फर्स्ट एड किट वगैरह मिलती है। एंड यहाँ पे कोई एज सच एक्सपोज बिट्स नहीं है, सो बहुत अच्छी फिनिशिंग करी हुई है, प्रीमियमनेस। भाई वॉक्सवैगन ले रहे हो तो प्रीमियमनेस तो आपको मिलेगी मिलेगी। ये मैं आपको थोड़ी सी साइड प्रोफाइल दिखा देता हूँ बैक से। सो दिस इज हाउ द कार लुक्स, भाई बहुत सुंदर लगती है, इसको कहते हैं ना ब्यूटीफुल एलिगेंट कार, रोड पे चलती नेक्स्ट लेवल स्टांस। सो दिस इज अ लिमिटेड वेरिएंट, ये लिमिटेड टाइम के लिए आया है वेरिएंट, ये आपको ऑन ऑर्डर मिलता है। तो ये गाड़ी भी अभी 3 मंथ्स के बाद यहाँ पे गाड़ी में आई है, तो अभी आप सोच रहे हो यहाँ पे कहाँ पे। सो आई एम एट वॉक्सवैगन चंडीगढ़ लाली मोटर्स। अगर आपको कोई भी वॉक्सवैगन का प्रोडक्ट देखना है, मेक श्योर टू विजिट हेयर, मैं आपको सारी डिटेल्स इनकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। सबसे अच्छी डिलीवरी, सबसे अच्छा डिस्काउंट, बाकी भाई का नाम ले देना भाई, अगर आप हम चंडीगढ़ की वीडियो देख के आए थे, आपको और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी अवेलेबल होगा। सो लेट्स गेट इनसाइड। अंदर जाने से पहले फर्स्ट इन इट्स सेगमेंट, भाई आपको मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिकली सीट्स, बहुत फ्रंट सीट्स आपको इलेक्ट्रॉनिक में मिलती है इसके सेगमेंट में। और राइवल जिसके क्या दे रहे हैं कि आपको आगे पीछे की इलेक्ट्रॉनिक मिलेगी, हाइट एडजस्टेबल के लिए आपको मैनुअली करना पड़ेगा, नहीं भाई ये सारी इलेक्ट्रॉनिक एबल मिलती है विद क्रोम ऑन द पेडल्स एज वेल, एंड इल्यूमिनेटेड पेडल्स भी आपको मिलते हैं, मीन्स पेडल लैंप्स इसके अंदर आपको मिलते हैं दोनों साइड्स पे। एंड दीज कंट्रोल्स आर फॉर द रियर व्यू मिरर, एंड वन टच अप डाउन सारी की सारी विंडोज, एंड ये लॉक अनलॉक के बटन, भाई टिपिकल जर्मन थिंक। सो लेट्स गेट इनसाइड। भाई ऐसा कुछ दिखता है इसका केबिन, बेज एंड ब्लैक के इंटीरियर कॉम्बिनेशन के अंदर आपको गाड़ी मिलती है। मैं थोड़ी सी सीट पीछे कर लेता हूँ। यस, सो दिस इज़ द इंटीरियर, आप देख सकते हो भाई टिपिकल वॉक्सवैगन का स्टेयरिंग व्हील, जो बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पे आपका पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, साथ में आपको DSG ट्रांसमिशन के साथ 1.5 टर्बो पेट्रोल भी DSG ट्रांसमिशन, भाई इतना अच्छा डेडली कॉम्बिनेशन है ना, आई वुड से। मैं एक बार इसका इग्निशन ऑन कर देता हूँ। सो बिकॉज दिस इज अ GT वेरिएंट, आपको सारा का सारा रेड एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन के अंदर आपको मिलेगा। एंड ये है जी आपकी 10 इंचेस की 4K डिस्प्ले, जो कि भाई कोई कंपनी नहीं दे रही है, एक सेकेंड AC थोड़ा, तो कोई भी कंपनी नहीं दे रही है। GT की बैचिंग अभी ऑन हो रहा है, ये देख लो भाई इसका डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको मिलेगी सिल्वर स्ट्रिप, ये पियानो ब्लैक मिलेगा, है हार्ड प्लास्टिक की, बट ऐसी नहीं कि चीप क्वालिटी की प्लास्टिक है, बहुत अच्छी प्लास्टिक की बॉक्स वगैरह यूज़ करी है। एंड
वो यार फोन कनेक्ट हो गया था तो वीडियो पॉज हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। सो ये आपके हेडलैम्प्स के कंट्रोल थोड़े से मिल जाते हैं, इधर आपके वाइपर से कंट्रोल मिल जाते हैं, एंड ये है ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के साथ आपको गाड़ी मिलती है। दिस इज़ द हेडलाइट लेवलर, एंड भाई देख लो ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है आपको इसके अंदर, कोई एनालॉग आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा, सॉरी फॉर दैट। एंड यहाँ पे है आपके थोड़े से क्रूज कंट्रोल्स एंड वॉल्यूम अप डाउन के कंट्रोल्स, एंड ये आपको डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए थोड़े से आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे। वॉक्सवैगन का प्रीमियम क्रोम के अंदर लोगो, एंड ये आगे आपके एसी के कंट्रोल सारे के सारे टच हैं, चाहे आप स्लाइडिंग चाहे आप टच के साथ, जैसा आपका मन करे। फॉर द फैन स्पीड एज वेल एज द टेम्परेचर, जो कि बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे आपको मिल जाती है वायरलेस चार्जिंग, टू टाइप सी पोर्ट्स मिलते हैं ये आगे एसी वेंट्स, एंड दिस इज द ऑटो ऑन ऑफ बटन। एंड एक और चीज़ अच्छा फीचर इसके अंदर आपको मिलता है, दैट इज वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिलती हैं दोनों फ्रंट सीट्स के लिए, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपको एज एक्सेसरी मिलता है, 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट, हैंड ब्रेक विद सिल्वर टिप, एंड ये आपका हैंड रेस्ट, स्लाइडेबल हैंड रेस्ट विद सम स्टोरेज, अच्छी खासी स्टोरेज है। बात करें तो ग्लव बॉक्स की, ग्लव बॉक्स आपको ये मिलता है, कूलिंग फीचर के साथ मिलता है, साथ में और भी बहुत सारे स्पॉट्स इसके अंदर बनाए हुए हैं, जैसे आप अपना कार्ड कैरी कर सकते हो, पेन वगैरह रख सकते हो, मतलब इट्स वेरी यूजफुल। एंड जो आपकी डोर पॉकेट्स है दैट इज़ ऑल्सो बिग इनफ, 1 लीटर की बॉटल आप इजीली इसके अंदर कैरी कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाएगा जी सनरूफ, इलेक्ट्रॉनिकली सनरूफ है, एंड दिस इज़ फॉर द लाइट, एंड आपको LED में सेटअप मिलता है, कोई ये नहीं है कि हैलोजन मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलता है टिकट होल्डर, एंड को पैसेंजर के साइड पे आपको मिलता है वैनिटी मिरर, एंड दिस इज द ऑटो डिमिंग IRBM जो कि वॉक्सवैगन ऑफर कर रही है। बहुत अच्छा प्रीमियम इंटीरियर है, अब मैं आपको इसकी बैक सीट पे लेके चलता हूँ, एंड आई विल शो यू द बैक कैसी है। तो पीछे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ भाई, यहाँ पे आपको मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिजेक्टेबल, जैसे मैंने आपको बताया सारे के सारे आपको इसके अंदर मिलते हैं भाई, लेदराइट विद रेड स्टिचिंग जो कि बहुत अच्छी लगती है। एंड अगर आप लोग बात करेंगे भाई इसकी एम्पलीफायर के प्लेसमेंट का है, तो भाई ये एम्पलीफायर आपको थोड़ा लग रहा होगा यार थोड़ा चीप क्वालिटी का, नहीं भाई ये प्लास्टिक का कवर है, इसके अंदर एम्पलीफायर जो कि बहुत अच्छा, अभी मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी भी चेक इन कराऊंगा। तो अब चलते हैं जी पीछे, मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ। तो बैक साइड जाने से पहले मैं आपको डोर ट्रिम दिखा देता हूँ भाई, है थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक बट यहाँ पे आपको लेदर के साथ सॉफ्ट टच मिलता है, एल्यूमिनेटेड लोगो के साथ, ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ पे, स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे, डोर पॉकेट्स आर बिग इनफ, आप यहाँ पे 500 ml फिर 1 लीटर की बॉटल पर आप इजिली कैरी कर सकते हैं। एंड रियर से ये थोड़ी ऐसी दिखती है, आपको मिलते हैं सारे के सारे फैब्रिक सीट्स, फैब्रिक कह रहा आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, सारी की सारी आपको लेदराइट सीट्स इसके अंदर मिलती है रेड स्टिचिंग के साथ, जो इसकी स्पोर्टीनेस को और ज़्यादा एनहांस कर देती है। 60-40 स्प्लिट के साथ मिलती है, तीनों आपको हेडरेस्ट मिलते हैं, एंड तीनों के तीनों आपको इसके अंदर सीट बेल्ट्स भी मिलते हैं। सो लेट मी गेट इनटू इट, एंड जो अभी फ्रंट सीट है वो मेरे हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है, एंड अभी भी आप देख सकते हो भाई मैं इजीली अपने पैर फैला सकता हूँ इजीली, अच्छा खासा लेग रूम है, अच्छा खासा थाई स्पोर्ट भी मेरे को मिल रहा है। एंड ये भाई इसकी सनरूफ, यहाँ पे भी आपको लाइट की प्लेसमेंट मिल जाती है जो कि बहुत अच्छी लगती है, सारे के सारे LED। ये हैं आपके रियर एसी वेंट्स विद टू टाइप सी, तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई, वॉक्सवैगन ने अच्छा प्रीमियमनेस एंड सोच समझ के फीचर्स दिए हैं भाई ऐसा है। एंड अगर डैशबोर्ड की बात करूँ भाई, लुक सो डेडली एंड प्रीमियम यार, कोई बोलेगा कि ये सिर्फ 20 लाख की गाड़ी है, 20 लाख प्राइस की बात करें तो कुछ 19 लाख समथिंग आपका एक शोरूम पड़ता है ये, बाकी चंडीगढ़ में ऑन रोड अराउंड को 22 लाख के आसपास चंडीगढ़ ऑन रोड मिलता है, बाकी एग्जैक्ट एक शोरूम प्राइस आपको यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर अभी आ रहा होगा। तो ऐसी गाड़ी है भाई, ऑसम ऑडियो क्वालिटी मिलती है जो आपको वॉक्सवैगन ऑफर कर रहा है भाई, इतनी अच्छी आप स्टॉक गाड़ी के अंदर नहीं एक्सपेक्ट कर सकते इस प्राइस रेंज के अंदर। एंड मैं आपको स्टीयरिंग का बताना भूल गया था भाई, स्टीयरिंग आपको मिलता है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों के लिए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो भाई यही था वीडियो के लिए, बाकी आप वीडियो आप आगे कंटिन्यू करो। तो डेडली लुक्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो मेरे को वर्टस से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, एंड अगर आपको कोई भी और वीडियो चाहिए वॉक्सवैगन से रिलेटेड मेरे को वो भी कमेंट करके बता देना। सो यही था आज की वीडियो के लिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय।